जगदेव नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है हमारे नया ब्लॉग में। और आज के इस वीडियो में तुम सबको जो है अपनी मेहरुआ को दिखाने जा रहे हैं, ठीक है? तो क्लियर से तो दिखेगा नहीं, उस छत देख रहे हो तुम लोग? उस छत पे वो खड़ी है, देखो वही छत पे। हाथ हिलाओ, हाथ 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 ऐसे हिलाओ। हमारी मेहरुआ वही छत पे खड़ी है, अपने हिसाब से जूम करके देख लेना। मौसम बहुत जोर से बेमान हुआ है आज, देख सकते हो तुम लोग। पानी पड़ रहा था कुछ देर पहले और थोड़ा मन विचलित हो रहा था, ठीक है? घर पे रहते रहते कभी कभी दिमाग ख़राब होने लगता है। अब देख लो, गेहूं का खेत ज़बरदस्त है। और इधर देख लो, इधर इसको कहते हैं हम लोग मटर, मटर, ठीक है? और मटर का खेत है। अभी यही थोड़ा थोड़ा जो है स्टार्ट हुआ है, देखो। चलो, ये मेरा खेत नहीं है, दूसरे का है, देखेंगे तो मारेंगे। अपने खेत में चलते हैं। नज़ारा देखो कितना सुंदर है। ओहो, घाम भी नहीं है, थोड़ा बादल वगैरह किया हुआ है। इस रास्ते से चलें, ठीक है? यही चलते हैं और लास्ट तक बने रहना, ठीक है? ये गेहूं देख सकते हो तुम लोग, कितना ज़बरदस्त हुआ है। कसम से ये सब देखता हूँ ना तो मन बड़ा खुशी होता है, ठीक है? इधर देखो कितना ज़बरदस्त है यार, मज़ा आ जाता है इसे देखने में, ठीक है? बाकी उधर देख सकते हो तुम लोग, ठीक है? बाकी ओ गांव उधर देख रहा है, देखो मंदिर वहाँ है। और ये वाला जो है ये मेरा घर है, मतलब इसी साइड में है, ठीक है? बाकी देखो मज़ा आएगा, कितना ज़बरदस्त है यार सीन या। बाकी इसको अरहर बोलते हैं, देखो कितना अच्छा से फुलाया हुआ है। दूसरी बार दिखा रहा हूँ, इधर गढ़ा है, देख सकते हो तुम लोग। और उधर देखो किसको क्या बोलते हैं, बगुला, तो बगुला का बाप लग रहा है हमको। हाँ, शायद बगुला के दादाजी हैं, देख उड़ रहे हैं, ठीक। बाकी मौसम इतना ज़बरदस्त है आज कि क्या बताऊँ। इधर देखो, इसको कहते हैं सरसों का खेत, हम लोग लाही बोलते हैं, पता नहीं तुम लोग क्या बोलते हो। उधर गाँव का चौराहा है, कहाँ गया, इधर कहीं है, इधर दिख रहा होगा, वो है वो, ठीक है? गांव का चौराहा बोलते हैं हम लोग, ठीक। थोड़ा तुम लोग बोलते हो कि फुल फ्रेम में दिखाया करो भैया, देख लो, ठीक। और पता नहीं कौन गाना ट्रैक्टर पे बजा रहा है, ठीक है? इधर देखो, इतना ज़बरदस्त मौसम देखने के बाद में मन खुश हो जाता है विनोद, ठीक। और पिछली बार हमने अपना डंडा यहीं बहा के गया था, क्योंकि वो वीडियो शूट होने का काम लगता है, उसको स्टैंड बनाते हैं, तो यहीं कहीं फेंका था, उसको देखते कहाँ है, क्योंकि वो रहेगा तो हमको वीडियो बनाने में आसानी होगी, ठीक है? तो रुको एक मिनट, खोजते हैं कहीं है, यहाँ पे देख विनोद, यहीं पे फेंक के गया था, देख इधर, इधर देख, यहाँ पे है। अब जुगाड़ लगा के बनाएंगे स्टैंड और एक दो वीडियो शूट करेंगे, समझा? क्योंकि मज़ा आता है खेत में वीडियो शूट करने में, तो रुको कहीं स्टैंड बनाते हैं। बाकी मौसम मत पूछो भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ खेत में बैठ के ऐसे अकेले में चिंतन करना, बहुत अच्छा लगता है। देखो इधर कितना ज़बरदस्त मौसम है, देखो गेहूँ का खेत। और यहाँ पे बैठ के सोचने में कुछ अलग ही आनंद आता है, कसम से। दुनिया से दूर, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, मज़ा आ जाता है। अरे रुक रे, बढ़ा रहा है। यहाँ पे सोने में जो मज़ा है बाबू, कहीं नहीं है। हाँ, एक खेत के बीच में देख, इधर गेहूँ, इधर गेहूँ, इधर गेहूँ, मतलब जो भी है। और इधर हम दाची आ रहे हैं सूत के, बड़ा मज़ा आता है विनोद। हाँ हाँ, आनंद आता है, इतना आनंद तो बेड पे सोने के बाद नहीं आता है जितना यहाँ खेत में आके सोते हैं। और कहो सांप वो अपना निकले गिरी बहन के, हाँ हाँ, नहीं तो यहीं निपटा रह जाएंगे, कोनो को पता भी नहीं चलेगा कि गया एक। हाँ हे बाबू, खेत घूमने आए थे, पानी बरसने लगा, ससुर भागने थे घर पे, अरे ससुर घबरा गया, हम तो कहे मजा आएगा आज और पानी बरसने लगा, ससुर घूम के ही मजा कर रहे थे और इतना जोर से पानी बरसने लगा हमको पता नहीं था। गांव बहुत दूर है, हम भीग जाएंगे बाबू, जाने थे जल्दी जल्दी, बताओ मैंने। बाकी चलते हैं, आज के वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते, बाय लागी।